साथ में मौजूद हैं शाही ईदगाह के पास बने डीडीए के पार्क में, जहां पर रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति जो है वो लगनी है, उसका काम चल रहा है। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से आज शुक्रवार का दिन है, जुम्मे की नमाज, और ऐसे में एहतियात के तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम हिस्से पर भारी पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि हम सुरक्षा के लिए तमाम पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर रखने की कोशिश जो है वो फिलहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है। फिलहाल अगर देखा जाए तो एमसीडी की तरफ से शाही ईदगाह के पास जो डीडीए का पार्क है, वहां पर रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति जो है वो बनी थी, उसका काम को फिलहाल एमसीडी की तरफ से रोका गया है। हम आपको बता दें कि इस पूरे जो पार्क में मूर्ति का यहाँ पर लगाया जाना है, वो दरअसल उसका शाही ईदगाह से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। कल दरअसल अफवाह जो है वो फैली थी कि प्रदर्शन जो है वो किया जाएगा और शाही ईदगाह पर कब्जा करने की कोशिश जो है वो की जा रही। इस तरीके की अफवाहें सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने संज्ञान लेते हुए सख्त कार्रवाई करने का जो प्लान है वो बनाया है। और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान जो है वो यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवानों को भी जो है वो तैनात किया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के जो तमाम आला अधिकारी है वो पूरे इस इलाके के अंदर नजर बनाए हुए हैं कि किसी प्रकार का कोई भी शख्स यहाँ पर किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को अंजाम ना दे। इसके तौर पर एहतियात के तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कड़ा सुरक्षा बल जो है वो तैनात किया गया। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा के लिहाज से तमाम जो कदम उठाए जाने हैं वो दिल्ली पुलिस की तरफ से उठाए जाएंगे। कैमरा पर्सन लोकेंद्र पांडे के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली।